हे गाइस कैसे है आप लोग मैं बहुत अच्छे से हूँ और होप करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे से होंगे आपके घर में सब अच्छे से होंगे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है घर बाहर घर से निकलने का मन नहीं करता है ऑफ़िस जाने का मन नहीं करता है मन करता है कि घर से ही काम कर लो लेकिन कभी कभी ऑफिस तो जाना ही पड़ता है लेकिन मतलब कुछ लोग होते हैं जो लकी होते हैं जो घर से काम कर सकते हैं और कुछ लोग होते हैं बेचारे जिनको जाना ही पड़ता है बॉस की डांट खानी पड़ती है तो फिर बेटर है चले जाओ नहीं तो छुट्टियाँ होंगी और पैसे कटेंगे कौन चाहता है अपने पैसे कटवाना तो फ्रेंड्स में यहाँ पे आई हूं ये आज बताने के लिए कि जैसे मैं भी मोस्टली घर से ही काम करती हूँ और मुझे जाना तो पड़ता है ये ऐसा नहीं है कि नहीं जाना पड़ता ऑफिस लेकिन ये कि हफ्ते में एक दिन मैं चले जाती हूँ या दो दिन मैक्सिमम कभी कभी मेरा होता है क्योंकि जैसे कि मेरा काम है पी आर का मेरा काम है और मेरे को मतलब मीटिंग्स अरेंज वगैरह होती हैं करनी होती हैं सो so, लेकिन मुझे कभी कभी तो जाना ही पड़ता है ऐसा तो नहीं है बट हाँ मैं आज अपने लेकर आई हूँ आपको दिखाने के लिए कि मैं ऑफिस जाती हूँ तो फिर क्या पहनती हूँ किस तरीके का मैं अपना जो स्टाइल है वो करती हूँ और किस तरीके के कपड़े वियर करती हूँ तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं मैं किससे करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि अभी मैंने कुछ निकाले हैं और कुछ अभी रखे हैं तो मैंने कहा चलो आज कुछ दिखा देते हैं और कुछ बाद में फिर कभी दिखा देंगे तो हम स्टार्ट करते हैं वाइट से वाइट शर्ट्स जो होती हैं जो जो कि हर आपके हर ऑफिस वेयर पर काम आती हैं वाइट शर्ट में आप ऑफिस के साथ साथ बाहर भी मतलब पहन के जा सकते हो ऑफिस uh, के साथ साथ बाहर पहन के तो जा ही सकते हो और पार्टी भी जा सकते हो और वैसे भी कहीं भी जा सकते हो वाइट शर्ट इसलिए मेरी फेवरेट है और ये जो मेरी वाइट शर्ट है वैसे भी मेरी मोस्ट मोस्ट फेवरेट है इसके पीछे कुछ रीजन है जो कि अभी तो नहीं बताऊंगी मैं आप लोगों को हाँ बट ये शर्ट कैसा है कि मैं इसको चाहे फट भी जाएगी ना तो भी अपने पास रखने वाली हूँ तो ये जो शर्ट मैंने ली थी ऑफिस के लिए ये मैंने ली थी मार्क एंड स्पन्सर्ट से और ये लिनन की शर्ट है जो कि बहुत ही स्मूथ है और आप जब इसको पहनोगे तो ऐसा लगता है जैसे मतलब कि सुकून मिल गया है बहुत अच्छा कपड़ा है इसका और मतलब बहुत सूट करती है और किसी भी आप जीन्स के ऊपर भी पहन सकते हो इसको किसी भी ट्राउजर के ऊपर भी पहन सकते हो स्कर्ट के ऊपर भी पहन सकते हो ये किसी पे भी जाती है तो ये लिनिन की शर्ट मेरी फेवरेट जो मैं पहनती हूँ ऑफिस वेयर में मोस्टली पहनती हूँ ये बहुत अच्छी शर्ट है एक मेरी है तो इसके नीचे जो बॉटम मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ या तो मैं ब्लैक कलर का यूज़ करती हूँ या फिर मैं ग्रे में यूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें मोस्टली यही जाता है वाइट कलर में अच्छा फिर नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ वाइट कलर में ही ये मेरी टी शर्ट है जो कि मैंने एच एन एम से खरीदी थी ये भी मैं नॉर्मली ट्राउजर के नीचे कभी कभी गर्मी में पहन लेती हूँ पहन के चले जाती हूँ इसके आप इसके ऊपर आप कोट भी ले सकते हो हल्का कॉटन का या फिर आप इसको वैसे भी ले सकते हो विद मफलर ले सकते हो तो ये मेरी ये बहुत मेरे को सेल में मिल गई थी एच से तो ये शर्ट भी मेरी ऑफिस में काम आती है किसी किसी मीटिंग में ये भी मैं पहन पहन लेती हूँ बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है कि हालत खराब है कि कुछ और कपड़े पहनने का मन ही नहीं करता है अच्छा नेक्स्ट हम लाते हैं ये मेरी आ, मैं पहले शर्ट्स दिखा देती हूँ ज़्यादा नहीं है लेकिन हाँ थोड़ी सी में है सेसर फ्राज से लिया था जो कि मिंत्रा Uh, मिंत्रा में मिलती है और ये भी मैंने सेल से ही लिया था इसका जो कॉलर है वो इतना क्यूट है इस तरीके से ये बहुत अच्छा लगता है पहनने के बाद ये इस तरह का है ये इसका स्लीव्स है इसका स्लीव्स भी बहुत प्यारा है और ये बहुत ही बहुत कम दाम में मतलब बहुत कम प्राइस में मुझे मिल गया था और uh, uh, क्या कहते हैं इस तरह का ये कलर भी इसका बहुत प्यारा है ये भी ब्लैक पे या ग्रे पे जा सकता है या कुछ और भी आपका मन करे भी ग्रीन पे भी पहन सकते हो वो मुझे नहीं पता बट हाँ जो मेरा है वो आपको दिखा रही हूँ तो ये मैंने ससफराज से मंत्रा से लिया था जो कि बहुत ही अच्छा है आ, जो कलर्स होते हैं उन पर बड़ा ध्यान फोकस करना पड़ता है ध्यान रखना पड़ता है कि जितने आप कूल कलर्स पहन लोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा इवन टॉप पे तो आपको कूल कलर पहनने ही चाहिए बॉटम का तो देखो ऐसे कि ऑफिस वेयर में डार्क कलर ही पहने जाते हैं मोस्टली अब ऐसा तो है नहीं कि लाइट पिंक कलर की पैंट पहन लोगे या लाइट ऑरेंज कलर की पैंट लो वो तो पॉसिबल नहीं है तो इसीलिए आपको जो टॉप है वो हमेशा लाइट कलर में ही पहनना चाहिए वो ज्यादा अच्छा रहेगा तो इस तरीके से इस, इसलिए मुझे ये ये बहुत बहुत पसंद आई थी और पहनने के बाद इसका लुक भी बहुत अच्छा आया था मस्ट बाय इट इसको जरूर खरीदना बहुत अच्छी एच एन ए बिल्कुल सही चल रही है जो एच एन पे मिलेगी आपको आप घर से भी ऑर्डर कर सकते हो तो हाँ वेलबर्टन टाइप है मतलब थोड़ा सा नीचे को हल्का सा थोड़ा बड़ा है इसका ये बिल्कुल स्ट्रेट पेन नहीं है ये लेकिन जब ये पहनते हैं तो बहुत अच्छे लगती है आप इसको ऐसे घूमने में भी, भी जा सकते हो पहन के क्योंकि इसका लुक बहुत ही अच्छा है और जैसे कि आप देख सकते हो इसका लुक इतना क्यूट लगता है ये बहुत ही ऑसम है मेरी मतलब मुझे बहुत पसंद आई मतलब अगर मैं जाऊँ ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है इतनी ज़्यादा भी सस्ती नहीं है क्योंकि मोस्टली सेल से कपड़े लेती हूँ और ये मैंने फ्रेश में ली थी तो ये मुझे लेकिन ऑब्वियसली बहुत अच्छी है ये एक मैंने ये ली थी मैक्स से जब मैं मॉल गई थी घूमने के लिए आई थिंक मूवी देखने गई थी तो जब मूवी देखने गई थी तो सबसे आ, मतलब आधे घंटे का टाइम था तो मैंने कहा चलो थोड़ी नजरें मार लिया जाए तो मैं गई तो वह मैक्स में से आ, मैक्स में भी सेल लगी हुई थी और वैसे आई डोंट नो मुझे ये याद नहीं आ रहा मैं क्योंकि मैंने दो साल पहले ली थी तो ये इस तरह की है इसका भी ये कूल कलर है बहुत ही प्यारा है इसके पॉकेट में जो डिज़ाइन बना हुआ है ये बहुत अच्छा है और इसका ये मटीरियल भी बहुत अच्छा है और बहुत ही कम्फर्टेल कम्फर्टेबल है ये भी और मतलब ये स्ट्रेट है और इस पर आप लाइट कलर में वाइट में इसमें मोस्टली वाइट का ही टी शर्ट या शर्ट जाएगा तो इसलिए ये लेकिन ये बहुत ही औसम awesome है ये भी मुझे बहुत प्यारी लगी लेकिन ये बहुत चीप है मतलब जो मैं पहली पेंट दिखाई है उसके बाद ये देखूँ तो बहुत ही उसके आधे के आधे रेट में भी नहीं है ये बहुत कम है लेकिन ये बहुत ही कम्फर्टेबल है ये मुझे बहुत पसंद है दोनों चीजें और मैं आपको दिखाती हूँ इसको मैं ऑफिस में जैसे मीटिंग वीटिंग होती है नॉर्मल ही पहन लेती हूँ इसका कपड़ा मक्खन है और इसको पहनने के बाद अब मतलब आराम से चाहे कितनी भी गर्मी भी हो रही हो ए ना चल रहा हो तो भी आप इसमें आराम से आपको कूल cool लगेगा इस तरह का है कपड़ा क्योंकि जो मैंने फील किया मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही अच्छा है इसमें ये दी हुई है टाई करने को कि आप इसको बांध सकते हो आगे से और इसका भी लुक बड़ा क्यूट आता है तो ये भी बहुत ही प्यारी है मतलब इसको भी आप इस तरीके से वैसे काजो में ना कुछ चीजें इस तरीके की, की बहुत अच्छी हैं और इतनी महंगी भी नहीं है बहुत ही अच्छी है आप ऑफिस बीयर काजो से भी ले सकते हो और मैं आपको दिखाती हूँ ये जो मेरा सेकंड पेंट जा रहा है मेरा ये एक मैंने पहले आपको दिखाया है आई थिंक उसका हाँ मैंने ये टॉप दिखाया था आपको ना उसका एचएनएम uh, का एंड ये मैंने ऑफिस वियर जो ट्राउजर है ये मैंने एचएनएम से ही लिया है ये भी इसमें टाई करने का है आगे से और इसका लुक बहुत क्यूट आता है और इसका सबसे अच्छी चीज ये है कि मैं आपको दिखाती हूं अभी तो इसका जो ये बांधने के बाद जो ये है ना ये ऊपर का जो है ये बहुत प्यारा लगता है आपका स्टमक पे बहुत ही खूबसूरत से टाई हो जाता है और बहुत ही प्यारा है ये पेंट थोड़ा सा ढीला है लेकिन आजकल ये फैशन भी चला हुआ है तो ये बहुत ही प्यारा है मैं मोस्टली ऐसे कपड़े लेती हूँ जिसमें कि मैं ऑफिस के भी मीटिंग्स कर लूँ ऑफिस में भी चले जाऊं और मैं जैसे बाहर भी लंच के लिए या कहीं वैसे भी जा सकती हूँ मतलब कहीं लॉन्च में बैठ सकती एक तो ना यहाँ पे पूरा बाजार लग गया है मेरे पास और मैं सारी चीजें हटा दूँ फिर मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ ज्यादा नहीं दो ही चीजें बची हैं बैठा बहुत ज्यादा हैवी हैवी लग रहा है बहुत ज्यादा तो अभी क्या है ना मैं एसी भी नहीं चला सकती उसमें आवाज़ आती है तो मैं जो आपको जो बताऊंगी वो क्लियर आपको समझ नहीं आने वाला तो मैं सब ऐसे कर दिया बाकी प्रेस प्रेस बाद में करा लूंगी अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ एक और पेन जो कि मैंने ये भी एच एन एन से ली है ये बहुत ये भी बहुत लाइट कलर में है और काफी कलर बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको और इतनी प्यारी है ये इसका भी ना हल्का सा नीचे से मतलब थोड़ा सा ही हल्का सा लूज है और इसका जो लुक आता है ये बहुत ही प्यारा आता है इसको भी आप कहीं भी नॉर्मली पहन सकते हो मतलब मेरे जो भी कपड़े हैं आप उनको ऑफिस के साथ साथ वैसे भी पहन सकते हो घूमने फिरने में या पार्टी में भी पहन सकते हो तो ये मेरा पैंट है इस तरह का और बहुत ही कंफर्टेबल है ये भी और ये नॉर्मल जैसे फॉर्मल नहीं होते जैसे जो कपड़ा उसी का है ये कपड़े का तो वैसे ही कंफर्टेबल है बहुत ज़्यादा तो ये मुझे एक ये भी पसंद है काफ़ी ऑब्वियसली मेरे कपड़े तो मुझे सारे पसंद ही आएंगे लेकिन हाँ कोई कोई होते हैं वो चुपते हैं जैसे कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये मेरा जैसे कि हम हमारे यहाँ जैसे अवार्ड फंक्शन होते हैं या कोई सेमिनार होते हैं तो मैं उस उसके लिए मैंने इस तरह के कोट्स रखे हुए हैं कोट और पैंट तो एक मैं एक सेकेंड में ना उसको थोड़ा दिखा देती हूँ आपको ढंग से तो इस तरह के मैंने ये कोट पैंट रखे हुए हैं बट इसका कपड़ा ना थोड़ा सा गर्मी लगती है इस कपड़े में इवन ठंड में भी पहन लूँ तो मतलब थोड़ा गर्माहट है इस कपड़े में लेकिन इतना मोटा नहीं है बट फिर भी है इसमें गम गर्माहट तो इस तरीके से है ये पूरा इसकी पैंट है इसमें साइड में जिप दी हुई है और वैसे तो कंफर्टेबल है ये मज़ा आता है पहन के इसको और ये मेरा कोट है इसमें ये बटन्स हैं मतलब सेमिनार्स में या फिर अवॉर्ड सेरेमनी में न ये बहुत ही खूबसूरत लगता है इस तरह का मैं एक दो और लूँगी मगर इस कपड़े में नहीं लूँगी वो तो कपड़ा मैं कोई और लूँगी दूसरा और इस तरीके से ये बहुत ही प्यारा है मतलब बहुत खूबसूरत लगता है ये पहनने के बाद और अगर इसको आप पार्टी में भी यूज़ करना चाहो तो कैसे यूज़ कर सकते हो बताती हूँ जैसे ये पेंट है और ये मेरा कोट है इसके नीचे आप कोई भी शिमरी या कोई भी मतलब डी वियर टॉप पहन सकते हो वो भी स्लीवलेस और क्योंकि इसका जो स्लीव्स है वो बहुत टाइट है बट ये मैंने ना ऑर्डर से बनवाया था इसीलिए मैं इसका कोई ब्रांड नहीं बता सकती तो ये मैंने किसी से बनवाया था वो डिज़ाइनर ही है अगर किसी को चाहिए होगा पता तो मैं बता दूंगी ये इस तरीके से ये मेरा सारा ऑफिस वियर है और और भी बहुत सारे हैं लेकिन आज के ब्लॉग में सिर्फ मैं आपको इतने ही दिखा पाऊँगी और आज के लिए ये मेरा ऑफिस वियर का मेरा ब्लॉग था और अगर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो पसंद आया हो तो मेरे को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और मेरा वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा मिलती हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बाय